करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो किसान भाइयों के हमारे कई सवाल होते हैं कि वो 038 के मतलब विकल्प के रूप में किस वैरायटी का जो है चयन करें। तो उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है सिमरनजीत सिंह जी हैं किसान अड्डा के, और इन्होंने इनकी अगर जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने काफी सारी वैरायटियां जो है 10 से 12 जो लगा रखी हैं। तो आज हमारे साथ में ये हमें जानकारी देंगे कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कौन सी जो वैरायटियां हैं वो 38 के विकल्प के रूप में जो चुनाव जो है हमारे किसान भाई उनका कर सकते हैं। तो बताइए सिमरनजीत सिंह जी। देखिए इस समय जो 238 में मुश्किल का समय जो आ रहा है उसमें सभी किसान भाई हमारे जो है नई नई वैरायटियों के साथ मतलब कि उसको ढूंढने में प्रयास कर रहे हैं कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में मतलब अलग अलग जो वैरायटियां होंगी वो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से हर जगह डिफरेंट वैरायटी को लोग प्रेफर करेंगे। उसमें जो 3 वैरायटियां सबसे महत्वपूर्ण जो किसान जो चर्चा के विषय लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, जैसे हमारी 15G 23 गन्ना वैरायटी है और जो 14201 है और 13235, ये 3 वैरायटियों की काफी ज्यादा हमारे पूरे उत्तर भारत में मांग है जी। और तीनों वैरायटियां आपस में बहुत अच्छी वैरायटियां हैं तीनों वैरायटियां, क्योंकि जो हमारा 15G 23 गन्ना है उसकी जो ग्रोथ है वो काफी तेज है और सबसे जल्दी यह गन्ना पकता है और एक अर्ली में यह गन्ना आता है जी जी। और इसी कारण जो हमारे मील हैं उनमें उनको भी चीनी पड़ता अधिक मिलता है और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी अच्छी उपज देता है। और जो दूसरी वैरायटी 13235 वो भी अच्छी वैरायटी है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, यानी उसकी जो लंबाई है वो आप 38 से भी ज्यादा आप पा सकते हैं, बहुत अच्छी उसकी लंबाई होती है, गन्ना काफी मोटा भी होता है गन्ना वो। और जो 13235 है या जो वैरायटी होती है काफी कड़ा गन्ना होता है, मतलब थोड़ा सख्त गन्ना होता है, छोटी पोरी गन्ना होता है, जिसमें लॉजिंग की समस्या नहीं, गिरने की समस्या नहीं है इसमें जी जी। तो ये तीनों वैरायटियों की इस समय हमारे पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा मांग आ रही है, क्योंकि सब कहीं हमारे जो 238 है काफी अच्छा गन्ना है जिसमें इस समय परंतु उसमें काफी ज्यादा रोगों का अटैक हो चुका है। तो इसके लिए जो हमारे किसान भाई है वो सबके एक कॉमन सा सवाल रहता है कि भाई कौन सी वैरायटी का हम चयन करें। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका अगर एरिया कोई आपका जंगल वाला एरिया जहां मतलब कि आपका जंगली जानवर ज्यादा नुकसान करते हैं, जैसे आपका सुअर या गीदड़ वगैरह ज्यादा है जी जी। तो उस क्षेत्रों के लिए आप जो है 15023 गन्ना वैरायटी का चयन ना करें, क्योंकि यह गन्ना थोड़ा मुलायम होता है, मुलायम गन्ना जब होता है काफी सॉफ्ट गन्ना होता है, वो जो हमारे जंगली जानवर उनको काफी पसंद आता है और मीठा गन्ना भी काफी होता है, इसलिए जिसमें जो जंगली जानवर है इसको ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें आपका काफी नुकसान भी कर सकते हैं और थोड़ा गिरने की समस्या है। परंतु या जहां पे ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता उन क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि एक गन्ना तो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है और लेट बुआई अगर गेहूं काट के आप करते हैं आफ्टर वीड तब भी यह वैरायटी बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी और इसका जो गन्ने का वेट भी होता है 15023 किसान भाई वो भी बहुत ही अच्छा होता है जी। और अगर आप 13235 का चयन करें वो भी वैरायटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसमें आपको एक उसकी जो ग्रोथ रेट है उसकी बहुत अच्छी है और जो कल्ले देने की क्षमता है काफी अच्छी आपको 13235 की देखने को मिलेगी। और ये और आपका 14201 है या जो ये गन्ना गिरता नहीं है, थोड़ा छोटी पूरी गन्ना होता है, परंतु इसके आपको अगोले फल का कांटे से देखने को मिलेंगे जी, जी, ये जी। पहले आप गन्ना होता था 8836 जी, थोड़ा उससे मेल जोल खाता है 8836 से गन्ना, ये जो हमारा जो ये 14201, परंतु उसकी जो लंबाई है वो 8836 से ज्यादा होती है। और ये तीनों वैरायटियां हमारे उत्तर भारत में काफी ज्यादा मांग में है और अभी उसका जो लगातार 2-3 साल जब इसका कल्टीवेशन होगा तब चल पाएगा ये वैरायटियों का कि इन तीनों वैरायटियों में सबसे सुटेबल वैरायटी कौन सी है। परंतु अभी के लिए ये है कि जैसी आपके यहाँ क्षेत्र की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपनी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जो जल भराव की समस्या है या थोड़ा जंगली जानवर ज्यादा उसको वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसी कंडीशन 15023 की बुआई ना करके आप 14201 या 13235 की बुआई कर सकते हैं, काफी या दोनों अच्छा रिस्पांस देंगे जी जी। तो इसके साथ साथ में किसान भाई का सवाल ये होता है बहुत ज्यादा कि पेड़ी कैसी, इन गन्नों जो वैरायटी जो आपने बताई है इनकी पेड़ी कैसे होती है। देखिए अगर कल्ले देने की क्षमता की बात करें तो 14201 में थोड़ा ज्यादा फुटाव होता है जी जी। और इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं जो पेड़ी होगी वो पेड़ी जो 14201 की है वो सबसे अच्छी पेड़ी मानी जा रही है, क्योंकि उसका जो गन्ना तो बहुत सख्त होता है और सख्त गन्ना होने के कारण उसमें टॉप बोर्ड जैसी शिकायत आपको कतई देखने को नहीं मिलेगी जी जी। और जो बाकी वैरायटियां हैं 13235 और 15023 उनमें पेड़ी अच्छी होती है, आसानी पेड़ी अच्छी नहीं है, पर जो 14201 का फुटाव है वो थोड़ा ज्यादा है जी जी। और तीनों वैरायटियों की पेड़ी है अगर देखा जाए मिला के तो तीनों गन्ना वैरायटियों हमारी पेड़ी अच्छी होगी, परंतु हर एक एरिया के हिसाब से क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से आप देखना आप इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी नई गन्ना वैरायटियां आई हैं अभी 1-2 साल अभी अगर हर क्षेत्र में लगेंगी तो हर क्षेत्र का रिजल्ट आएगा जी। परंतु अभी जो मांग आ रही है वो तीनों वैरायटियों की आप इसमें चयन कर सकते हैं
और काफी अगर आपका ज्यादा अफेक्टेड गन्ना आपका जहाँ ज्यादा अगर रोग वगैरह ज्यादा आ रहे हैं या आपका वहाँ जंगली या ज्यादा नुकसान कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में आप 14201 का सिलेक्शन करें क्योंकि वो काफी टाइट गन्ना होता है जी जी। और गिरता भी नहीं है और आपका बंधाई खर्चा है वो भी आपका अच्छा आएगा। और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई उसकी भी आप 38 इंच लंबाई प्राप्त कर सकते हैं अच्छा गन्ना है। अगला जो सवाल होता है हमारे किसान भाइयों का किसान भाइयों का कि जो ये जो वैरायटियां जो आपने बताई हैं ये अर्ली की हैं या सामान्य की क्या है किस बारे में जी किसान भाई? ये जो हमारी तीनों गन्ना वैरायटी हैं 15 जीरो 23 और 14 200 और 13 235 या तीनों अर्ली में आती हैं और इनमें जो शुगर रिकवरी है तीनों वैरायटी में 14 के आसपास में है और एक अच्छी इसमें चीनी की मात्रा भी इसलिए अर्ली में हमारी गन्ना वैरायटी पास हुई है जी जी। तो जो एक और सवाल जो हमारे किसानों भाई के मन में बहुत होता है जो हमसे पूछते भी कई बार करते भी है कि रोगों के बारे में क्या बताएं जैसे कि अर्ती से आपको पता होगा इसमें टॉप बोर वगैरह सब लग रहे हैं तो उसके बारे में बताएं कि इन वैरायटियों का क्या मतलब क्या साइज है। देखिए अगर टॉप बोर की बात करें तो आपको 15 जीरो 23 में थोड़ा बहुत आप टॉप बोर देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा मुलायम गन्ना होता है वो। बाकी अगर बात करें 14201 जिसमें आपको टॉप बोर जरा भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही कड़ा गन्ना यहाँ होता है जी। और 13235 में भी अभी तक हमने टॉप बोर की शाखा भी देखी नहीं है जी। और अगर बात करें रोगों की तो रोग भी आपको जैसे रेड रॉड जैसा फूका बोइंग जैसे रोग ये आपको इन वैरायटियों में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि नई वैरायटियां हैं ये तीनों वैरायटियां। तो सिमरनजीत सिंह जी आपका हमारे किसानों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने किसानों से अनुरोध करेंगे कि आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी प्रकार की जो खेती से संबंधित जो जानकारी है आप तक हम लेके आते रहें।